हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज के इस सेशन के अंदर मैं कवर करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स, और इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश है, उम्मीद है, चांसेस है। अब खासियत ये है इन ऑल्ट कॉइन्स की कि लास्ट टाइम जो एक बुल सीजन चला था उसके अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। अगेन ये अपने अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल पे बैठे हुए हैं। और दूसरी खासियत ये है कि इनको हम कहते हैं पेनी ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि हम पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना बहुत सस्ते वाले, उसी तरह से ये पेनी ऑल्ट कॉइन्स हैं। यानी कि इनकी जो प्राइस है 0.007 से भी नीचे है के आसपास है, ठीक है। ताकि आप जो भी छोटा मोटा निवेश करना चाहते हैं या एक अच्छा खासा अमाउंट भी अगर लगाते हैं, $1,000-$2,000 भी लगाते हैं, क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, होल्ड करना, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक ठोकना है, ठीक है, लाइक ठोक दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और एक एक कॉइन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, कोशिश करूँ उनके टारगेट्स वगैरह भी आपको बताने की। अब पहला जो टोकन है ऑल्ट कॉइन है जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसको हम कहते हैं स्मूथ लव पोशन, ठीक है, SLP, जिसने बहुत अच्छा खासा धूम मचाया था। और अभी इसका मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। हम ओपन करते हैं SLP USDT, ओके, बाइनेंस का इसको मैं यहाँ पकड़ता हूँ, ओके। ये देखो कितना हाई गया था। अगर मैं अभी नीचे से पकड़ता हूँ और देखता हूँ तो भैया ये 16,000 के आसपास गया था, और ये कह सकते हैं कि लास्ट रैली के बाद से पूरा शांत बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.001430 के आसपास, ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को ड्रॉ किया, ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं किया, बस एक लोअर चैनल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जिसके अंदर से फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा है। पिछली बार भी यहाँ पे सेम चीज़ ब्रेकआउट हुआ था, राइट नो सेम चीज़ चल रही है यहाँ पे, अच्छा खासा एक फॉलिंग वेज के अंदर है। प्राइस राइट नो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, यानी कि अगर आपको लेना है तो इस रेंज पे भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत 2-4% नीचे भी ले सकते हैं। बट वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि कम से कम 50% के आसपास हमें इस पर मुनाफा मिले। बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इसको लेना है, होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। 5-10% के प्रॉफिट के लिए नहीं लेना है, ठीक है। माइंड सेटअप कर लो कि मुझे आने वाले टाइम के लिए इसको रखना है। क्योंकि नेक्स्ट कॉइन की हम बात करते हैं, और ये जो कॉइन है इट इज़ नथिंग बट सिलिका। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आसपास बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक नोटिस करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक बॉटम लगा है, दूसरा बॉटम लगा है, ये तीसरा बॉटम भी यहाँ पे लग चुका है। तो तीन बॉटम्स लगे हैं। डबल बॉटम जो होता है उससे भी खतरनाक जो होता है वो ट्रिपल बॉटम होता है, यानी कि प्राइस बहुत ज़बरदस्त ऊपर जा सकता है। और हमेशा हमने देखा है कि ये जो बॉटम है यहाँ से इसने जो रेंज मारा है, एक सेकेंड, लमसम 130%, फिर यहाँ से भी जिसने ऊपर गया था तो 60% के आसपास, और बीच में से भी ऊपर गया था तो लमसम 60-70% के आसपास। सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से भी एक रैली अच्छी खासी ऊपर उठ सकती है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.0165। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, सस्ते मिल रहे हैं, आप खुद देख लो कि ये हमें एकदम 2023 के बॉटम पे मिल रहा है। और ये जो बॉटम था इट्स सिमिलर टू व्हाट प्राइस वी हैड सीन इन अराउंड जून 2020, सेम प्राइस था यहाँ पे इसके आसपास। और यहाँ से इसने रैली जो ली थी, जो बुल रैली स्टार्ट हुई थी, यू कैन सी अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, 1400% के आसपास, ठीक है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर $10 भी लगा दो, छोड़ दो $10 लगा के, और वो 1400% बढ़ेगा तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपका 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी गुड कॉइन। और इसका अगर मैं यहाँ से वीकली चार्ट अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे पहले भी क्या हुआ था, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे इस हिसाब से बना हुआ था, इस तरह से देखते हैं, ओके, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था। और सेम चीज़ जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास अच्छा खासा हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होगा तो ऑफकोर्स जिस हिसाब से ये प्राइस ऐसे गया था, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड प्राइस फ्रॉम हियर, ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो जिलिका जो है इसको अपने पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ नथिंग बट TRX, ट्रॉन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस कॉइन को मैं पहले ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता था और मैं भी इसको लेता नहीं था, बट मैं एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो भी इसका एक डिप लगा था, ठीक है,
जो इसकी प्राइस को 0.045 के आसपास लेके आया था, ओके। और उसके बाद से ये नीचे नहीं आया, ये हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, ओके। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ भी करता हूँ, ओके, इस हिसाब से चल रहा है, सो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ गुड रैली इन TRX, उसको लॉन्ग टर्म पकड़ के चलो, क्योंकि अभी मार्केट डगमगा रहा है तो भी ये नीचे नहीं आ रहा है, ये मजबूती से खड़ा है, ठीक है, 0.078 के आसपास। और अगर आप इसको लेते हैं, मैं आपको कहूँगा एक SL आप ज़रूर लगाना, SL आपको इस लेवल के आसपास एक के SL रखना रहेगा। टारगेट जो इसका मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रैली की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका नाम है TLM, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा पहले ट्रेड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी एक बॉटम पे यानी कि 0.009 से लेके एक अभी एक रैली मारी थी, 27% के आसपास ये उछला था, उछलने के बाद ये वापस से नीचे आई है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि वापस से इस लेवल के आसपास आता है, 0.01022 के आसपास आता है ये, ठीक है। तो आपको इसको उठाना है इस लेवल के आसपास, लेट मी ड्रॉ, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास आता है, तो मेरे हिसाब से TLM को आपको उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा खासा आपको इसमें मुनाफा मिलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा जाएगा, ठीक है, बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने प्लीज झोली के अंदर आप जरूर रखिए, ठीक है। इसके बाद एक और कॉइन आने वाला है, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी कॉइन है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शिबा इनू की, बात करते हैं इसमें क्या करना है। तो शिबा इनू को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम इसके चार्ट को देखते हैं, तो आप एक आइडिया लगा लो कि बस इंतज़ार है कि कब ये फूटता है ऊपर की तरफ, ओके। तो मैं इसमें ज़्यादा आपको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आपके सामने चार्ट है एंड यू कैन सी, यू नो कि इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी है इन मीम कॉइन्स, अपार्ट फ्रॉम डॉज कॉइन, डॉज कॉइन से ज़्यादा हम इसके अंदर देख रहे हैं, तो इसको भी आप ले लो राइट नाउ, प्राइस बहुत अच्छा है। लास्ट के अगर मैं 3 डिजिट्स बोलता हूँ तो 800 से ये नीचे है, 757 के आसपास चल रहा है, इस रेंज के आसपास चल रहा है, एकदम अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये मत सोचो कि वापस एकदम यहाँ तक आएगा तो मैं लूँगा, यहाँ तक आएगा तो मैं लूँगा, ठीक है। यहाँ तक भी आया था तो किसी को मौका नहीं मिला था, जब वो झटके से चीज़ें आती हैं, ले लो लॉन्ग टर्म का इंतज़ार करो, और यहाँ से अगर आपको ये इधर तक भी आता है तो भी 40%, और रिकॉर्ड टॉप रेजिस्टेंस पे आता है तो 100% के आसपास इजिली शिबा इनू दे देगा आने वाले टाइम के अंदर, बशर्ते आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कल का परसों का हफ्ते भर के बाद की बात नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को लो लॉन्ग टर्म होल्ड करो, और थोड़ा सा 6-7 महीने होल्ड करो, फिर जब आपको प्रॉफिट मिलेगा देन यू विल फील कि हाँ यार इसमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम अब जो मिला है, अब जो मैंने किया है, चीज़ों को पकड़ कर रखा है, तो उसमें कितना मुनाफा रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक टेस्ट लेने के लिए ना जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, कोशिश करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस समझो मेरी बात को और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। नेक्स्ट कॉइन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वापस से XRP, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और XRP का मैं यहाँ पे हाल आपको दिखाता हूँ, और इसका भी 1 डे का चार्ट है, ठीक है। और XRP ने जितनी भी एक कह सकते हैं कि चढ़ाई ली थी, वो सारी चढ़ाई वापस से नीचे आ गई है, ओके। और इसको अगर आपको लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ले सकते हैं, XRP के अंदर अभी कुछ खराबी वराबी नहीं है, बस एक रैली की ज़रूरत है, हम इसको आगे अच्छा खासा देख सकते हैं। अभी ये 50 सेंट से नीचे की तरफ है, आने वाले टाइम के अंदर हम इसको वापस से $1 के आसपास देख सकते हैं XRP को। तो ये XRP हो गया, और फाइनल जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना, ठीक है। इसमें कभी भी ऊपर की तरफ एक कहते हैं ना वॉल्केनो फट सकता है, ये कॉइन है पॉन्ड, ओके। इसके चार्ट को मैं थोड़ा सा 3D में करता हूँ ताकि नॉइज़ थोड़ी सी हट जाए और हम देख सकें कि ये कितना नीचे है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अगर नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ, ये जो जोन है ना बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन है, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इसी के अंदर ये इसकी प्राइस के मूवमेंट चल रही है, ठीक है। तो ये इस लेवल से नीचे गिर नहीं रहा है, ठीक है, हम लेवल के काफ़ी क्लोज हैं, 0.00819 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से ये लेवल के ऊपर तक भी जाता है, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो भी 100% के आसपास हमें पॉन्ड दे सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हाथ मारना, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले पूरे 1 साल में खराब से खराब न्यूज़ आई लेकिन इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा है,
तो आने वाले टाइम के अंदर भी इस लेवल को मेरे हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए। 99% चांसेस है कि नहीं जाएगा और यहाँ से हम लेके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको इतने सारे कॉइन्स बता दिए हैं और जाते आते आपको वापस से मैं कहना चाहूँगा कि सोलाना पे नज़र रखो। ठीक है, ये कॉइन अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि सोलाना जो है इसकी जो टाई अप हुई है वीज़ा के साथ हुई है, वीज़ा की जो भी क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं ठीक है उनको सपोर्ट करने के लिए सोलाना का इस्तेमाल हो रहा है जस्ट लाइक XRP। ठीक है, तो इसकी इसके ऊपर आपको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस से मैं कहूँगा कि पॉलीगॉन मैटिक है उसके ऊपर नज़र रखो। कुछ कोरिया के साथ इनका कुछ टाइप हुआ है जहाँ पे ये कुछ टोकनाइज सिक्योरिटीज़ वगैरह कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो मैटिक इज़ ऑलवेज एवरग्रीन। ठीक है, तो ये सारे मैंने कॉइन्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं और अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, लेकिन हाँ मेरी नज़र से चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। मैं इन सब चीज़ों के अंदर एक निवेश करने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म, ये नहीं महीने दो महीने नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 6 महीने साल भर के बाद मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।